Hey guys, welcome to Absolution Tech. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मोबाइल की 20 प्लस सेटिंग्स दिखाएंगे, जिसमें आता है मोबाइल नेम चेंज, सॉफ्टवेयर अपडेट, उसी के साथ नेटवर्क सेटिंग, हॉटस्पॉट सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, इसी के साथ होम स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, इसी के साथ नोटिफिकेशन, ऐप नोटिफिकेशन, फॉन्ट सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारे सेटिंग्स, इसी के साथ मोबाइल को किस तरह से अपडेट कर लेना है, जिसमें बहुत सारे सेटिंग्स आते हैं, स्टेटस बार आता है, एप्स अरेंज आता है, वॉलपेपर सेटिंग, थीम सेटिंग, रिंगटोन सेटिंग, साउंड सेटिंग, नेटवर्क स्पीड, नेटवर्क कनेक्शन, गैजेट्स आता है, इसी के साथ डिस्प्ले सेटिंग्स आती है, लोकेशन सेटिंग आती है, या बहुत सारे कुछ ऐसे सेटिंग जो कि आपको एक नए मोबाइल में या मोबाइल को रेस्टोर करने के बाद कर लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दिखाएंगे हम आपको बहुत सारे टेक वीडियो, बहुत सारे अनबॉक्सिंग, सेटिंग्स, ऐप रिव्यू, टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और भी बहुत सारा कुछ। अगर आपने मोबाइल नया लाया हो या अगर आप एक मोबाइल को रेस्टोर करने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स कर लेना चाहते हो जिससे आपका मोबाइल अच्छी तरह से काम करे और आपको इजी भी हो जाए, तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मोबाइल के 20 प्लस सेटिंग्स जो कि एक नए मोबाइल में कर लेनी होती है, उसमें बहुत सारी सेटिंग्स आते हैं जिनको आज हम डिटेल्स के साथ बता देंगे, उसी के साथ उनको सेटिंग करके दिखाएंगे, उनके फीचर्स हम आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे पूरी तरह से डिटेल्स के साथ। आज हम सेटिंग्स ऐप के पूरे डिटेल दिखाएंगे। सबसे पहले सेटिंग जो कि आपको अपने मोबाइल में कर लेनी है वो है कि एप्स अरेंज। इस तरह से मोबाइल में बहुत सारे कुछ एप्स इस तरह से आ जाते हैं जिनको इस्तेमाल करना जरूरत नहीं होता है, जिनको कभी यूज ही नहीं करते हैं या जो कि फजूल में आते हैं, तो उनको सिंपली डिलीट कर लेना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद जब आपने उन एप्स को डिलीट किया जो कि आपको जरूरत नहीं है या जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो उसके बाद इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके रख लेना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहां पे आप इन एप्स को अरेंज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। एप्स को इस तरह से अरेंज कर लेना है कि आपको आगे वाली स्क्रीन पे वो एप्स रखने हैं जिनका आप डेली इस्तेमाल करते होंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। इसके बाद जिनको आप कभी कभी इस्तेमाल करते हो उनको आप सेकंड यहां पे रख लेना है, और जिन एप्स का आप कभी नहीं इस्तेमाल करते उनको आप एक ही फाइल रख के ऊपर रख सकते हो। इसके अलावा यहां पे वेजेट आता है, तो इसमें आप यहां पे टाइम ऐड कर सकते हो या बहुत सारे फीचर्स आते हैं। और यहां पे साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो इस पे क्लिक करने के बाद ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहां पे बहुत सारे आएंगे तो कुछ इस तरह से हम रख लेंगे। फिर आता है डिफॉल्ट स्क्रीन, इसके साथ आपको कुछ नहीं कर लेना है। और इसके बाद यहां पे आता है होम स्क्रीन लेआउट, तो यहां पे हम 5x6 रख लेंगे। इसके बाद फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल ऐप, इसको हम काट लेंगे, इसको काट के रख लेना चाहिए। और यहां पे डन पे क्लिक कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप यहां पे नोटिफिकेशन की बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हो, जिन एप्स का इस्तेमाल नहीं करते हो उनको डिलीट कर लेना चाहिए। तो इसमें पहले यहाँ पे सेटिंग जो आती है वो आती है, पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे आता है फिनिशिंग सेटिंग अप फॉर योर डिवाइस, तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आता है ऐप अपडेट्स आर रेडी, तो यहाँ पे आपको यूज मोबाइल डाटा पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से इसमें आना है और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको डोंट कॉपी पे क्लिक कर लेना है और यहां पे डो नॉट कॉपी योर डाटा, इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई गूगल अकाउंट है तो आप उसका ईमेल और पासवर्ड दे सकते हो, अगर नहीं तो यहां पे स्किप कर लेना है। इसके बाद यहां पे आता है सेटअप पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड रख लेना चाहते हो तो यहां पे आप अभी रख सकते हो या तो आप नीचे स्किप कर सकते हो और बाद में रख सकते हो मोबाइल का पासवर्ड या लॉक। इसके बाद यहां पे आता है ऐड जीमेल अकाउंट, चेंज टेक्स्ट टू डिस्प्ले, चेंज वॉलपेपर, तो नीचे हम नो थैंक्स पे क्लिक कर लेंगे, बाद में इन सेटिंग्स को अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद आता है गेटिंग योर फोन रेडी, और आपका फोन रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से अपने मोबाइल के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहां पे आपको अबाउट फोन पे आने के बाद डिवाइस नेम, यहां पे आपको अपने हिसाब से अपने मोबाइल का नेम रख लेना है। इसके बाद टिक पे क्लिक कर लेना है। नेम रखने के बाद आपको ब्लूटूथ में आना है, और यहां पे भी आपको डिवाइस नेम में अपना नेम या मोबाइल का नाम आप जो रख लेना चाहते हो वो आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहां पे आप मोबाइल नेटवर्क में 5G एक्टिवेट कर सकते हो। यहां पे पॉइंट एक्सेस नेम, अपने सिम का नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि हम यहां पे रखेंगे AS, तो यहां पे नेम हमने चेंज किया सिम कार्ड सेटिंग में। इसी के साथ यहां पे आता है पॉइंट एक्सेस नेम, तो यहां पे आप इसको रिसेट कर सकते हो ताकि नेटवर्क अच्छा आ सके। इसके अलावा यहां पे प्रेफर नेटवर्क आता है, तो आप 4G 5G 2G रख सकते हो। इसके बाद यहां पे वोल्ट आता है, यानी कि आपकी वॉइस क्वालिटी कॉल्स में इंप्रूव हो जाएगी, इसको एलो कर लेना है।
इसी के साथ मेक कॉल यूजिंग वाईफाई, यानी कि जब आपका वाईफाई कनेक्शन हो तो आपको कॉल आ सकती है या आप कॉल भी कर सकते हो। आप वाईफाई भी यहां पे आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो या नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क भी। सिम कार्ड सेटिंग के बाद यहां पे मोर कनेक्टिविटी पे आना है। यहां पे आपको नीचे आना है और यहां पे आपको उप इसके बाद यहां पे आपको मोर कनेक्टिविटी में आना है, जहां पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे क्लिक कर लेना है। यहां पे आप इसका अपने हॉटस्पॉट का नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहां पे हम नेम रखेंगे खाली रेडमी 5G। इसके बाद नीचे आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहां पे जैसे कि पासवर्ड आप हॉटस्पॉट में रख सकते हो, जो भी आप रख लेना चाहते हो। और यहां पे ऊपर टिक पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप इसको ऑन भी रख सकते हो या ऑफ भी रख सकते हो। इसके बाद यहां पे आपको फिर से बैक आना है और इसके बाद यहां पे आपको फिर से बैक आना है और यहां पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। यहां पे स्लिप पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली, तो यहां पे आप 30 सेकेंड्स भी रख सकते हो। इसके बाद अगर आप अपने मोबाइल पे डबल टैप कर लोगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो यहां पे आपको डबल टैप टू वेकअप, यानी कि आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सीधे यहां पे आपको नीचे आना है। यहां पे आता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। नोटिफिकेशन जो लॉक स्क्रीन पे आती है, तो आप इसको यहां पे डिसेलो कर सकते हो फॉर्मेट में। यहां पे डोंट शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, यानी कि जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपके लॉक स्क्रीन पे नहीं आएगी, यानी कि जब आपका मोबाइल बंद हो तो आपको लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद यहां पे आता है फ्लोटिंग और बैजेट्स। इनको ऐसे ही रख लेना है, इनको जरूरत नहीं है चेंज करने की। यहां पे नीचे आता है ऐप नोटिफिकेशन, तो यहां पे आप अपने ऐप्स का नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हो। जिन जिन ऐप्स का आप नोटिफिकेशन रखना चाहते हो तो आप यहां पे उनको एलो कर सकते हो या डिसएलो। इसके अलावा नोटिफिकेशन स्टाइल आता है, आप क्लासिक भी रख सकते हो या एंड्रॉयड भी रख सकते हो। आपको नीचे आना है और यहां पे शो नोटिफिकेशन आइकन, इस पे आपको क्लिक। इसके बाद यहां पे नीचे आता है स्टेटस बार में शो कनेक्शन स्पीड, यानी कि आपके मोबाइल की नेटवर्क डाटा स्पीड कितनी है। तो यहां पे आप इसको एलो करके रख लोगे तो उसके बाद आपको ऊपर मोबाइल में नेटवर्क स्पीड दिखा लेगा। इसके अलावा यहां पे आता है बैटरी इंडिकेटर, यानी कि आपके मोबाइल की बैटरी किस तरह से दिखनी चाहिए, कि कितने परसेंट चार्ज है कितना नहीं है। तो यहां पे हम रख लेंगे ये वाला। इसके बाद यहां पे आता है आइटम शो ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वैपिंग ऐप, यानी कि जब आपका मोबाइल लॉक हो और आप इस तरह से कर लेते हो तो यहां पे ये कुछ इस तरह से डाटा वाटा आता है। आप इसको यहां पे कंट्रोल सेंटर में काट भी सकते हो। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन, इसके बाद आता है कंट्रोल सेंटर। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनमें से ओल्ड विजन भी रख सकते हो, न्यू विजन भी रख सकते हो, जो कि कुछ इस तरह से ऊपर आएगा, जो कि पहले था और आजकल कुछ इस तरह से आता है। इसके बाद यहां पे आता है डोंट शो आइकन लेबल, यानी कि जो ऊपर आता है डाटा, ब्लूटूथ और भी बहुत सारी चीजें, अगर आप उनका ये नेम चेंज, अगर आप उनका नेम बंद रख लेना चाहते हो तो यहां पे डोंट एलो आइकन लेबल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आता है स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल, तो यहां पे आपको इसमें नोन रख लेना है। इसके अलावा यहां पे आप नीचे आओगे नोटिफिकेशन और स्टेटस बार में, स्मार्ट होम डिवाइसेस में आपको यहां पे नोन रख लेना है, यानी कि जब आप यहां जाओगे तो कुछ इस तरह से आता है साइड में, फिर यहां पे होम स्क्रीन आती है। यहां पे ये बहुत सारे लोगों को तंग कर, यहां पे ये कुछ इस तरह से आता है, यानी कि जब एप्स को इस तरह से आओगे तो यहां पे बहुत सारे एप्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, क्रिकेट आता है, डेट आता है, न्यूज आती है, तो आप इसको यहां पे डिसेलो कर सकते हो स्मार्ट होम में। तो हमने इसको यहां पे नॉन पे क्लिक कर लिया। इसके बाद यहां पे आता है होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन में यहां पे हम रखेंगे क्लासिक। बहुत सारे लोग विड्रॉवल रख लेते हैं, विड्रॉवल यानी कि कुछ इस तरह से एप्स आ जाते हैं, इस तरह से एप्स आ जाते हैं मोबाइल में, लेकिन बेस्ट रहता है विड्रॉवल, जिसमें कुछ इस तरह से और इस तरह से रहता है, और वो शॉर्टकट भी होता है उसको जल्दी जल्दी। हम रख लेंगे क्लासिक क्योंकि क्लासिक बेस्ट होता है। इसके बाद यहां पे आता है -1 स्क्रीन, यहां पे आपको नॉन पे क्लिक कर लेना है।
इसके बाद यहां पे आता है स्वैप अप ऑन द होम स्क्रीन। स्वैप अप ऑन द होम स्क्रीन यानी कि जब आप अपने मोबाइल को इस तरह से नीचे लाओगे तो यहां पे नोटिफिकेशन आती है, साइड में कुछ इस तरह से ये मैसेजेस आती है। तो हम रख लेंगे कंट्रोल सेंटर। इसके बाद आता है स्वैप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, तो यहां पे नोटिफिकेशन शेयर और कंट्रोल सेंटर रख लेना है। यानी कि जब आप अपने मोबाइल को नीचे लाते हो, यानी कि जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को नीचे कर लेते हो तो वहां पे नोटिफिकेशन शेयर कंट्रोल सेंटर आता है या सर्च भी आ सकता है। इसके बाद आता है एनिमेशन स्पीड, तो यहां पे फास्ट रख लेना है ताकि आपका मोबाइल क्विक चल जाए। इसके बाद आता है होम स्क्रीन लेआउट, इसमें आपको फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल्ड एप्स, तो इसको डिसेलेक्ट कर लेना होगा, काट लेना होगा, क्योंकि जब आपके मोबाइल की एप्स अरेंज होगी तो आपको ये सेटिंग परेशान कर लेगी, एप्स फिर से वहां आ जाएंगे। इसके बाद आता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, यानी कि जब आप अपने मोबाइल में एप्स को अरेंज करके रख लोगे डे टाइम बाकी होम स्क्रीन में, तो आप इसको लॉक करके रख सकते हो। इसके बाद आता है डोंट, फिर आता है डोंट शो टेक्स्ट, यानी कि एप्स के नीचे टेक्स्ट आता है ये कौन सी ऐप है, ये कौन सा ये है, तो आप इसको यहां पे ऑफ रख सकते हो। फिर आता है होम स्क्रीन लेआउट, आप इसमें 4:6 या 5:6 रख सकते हो, बेस्ट है 5:6 ताकि एप्स बहुत सारे आगे अपने मोबाइल में आ जाएगी। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहां पे आता है सिस्टम नेविगेशन बटन, तो आप यहां पे गेस्ट रख सकते हो। आजकल गेस्ट बेस्ट रहता है क्योंकि उससे बैक जाने में या एप्स निकालने में इजी होता है, तो कुछ इस तरह से हम रख लेंगे डोंट शो, डू नॉट शो अगेन, इस पे क्लिक कर लेना है और नाउ नॉट पे क्लिक कर लेना है, तो कुछ हमारे मोबाइल का कंट्रोल नीचे स्विचेस पे नहीं रह जाएगा, नीचे बार बटन पे नहीं बल्कि साइड में एजेस पे कंट्रोल रह जाएगा। बाद आता है अरेंज आइटम्स इन रीसेट, यानी कि जब आप एप्स को काट लेते हो फिर बहुत सारे एप्स नीचे आते हैं जिन एप्स को आपने खोल लिया होगा, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली रख सकते हो या वर्टिकली। इसके बाद आता है शो मेमोरी स्टेटस, तो इसको एलो कर लेना है। ब्लर ऐप प्रीव्यू, यानी कि जब आप नीचे आते हो तो उसमें आपके एप्स का ब्लर हो जाता है, तो यहाँ पे गैलरी को काट लेना है, क्योंकि कभी भी कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं, कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि हमने पासवर्ड क्या रखा था या गैलरी का। इसके बाद यहाँ पे फिर से बैक आना है और यहाँ पे हो गई ये सेटिंग कंप्लीट। आता है डिस्प्ले ब्राइटनेस, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस रखने से, डिस्प्ले ऑटोमेटिक ब्राइटनेस रखने से आपके मोबाइल में जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है, कभी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस रख लेना चाहिए जहां पे जितनी लाइट हो उसी कॉन्टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद रिफ्रेश रेट आता है, मोबाइल में रिफ्रेश रेट आता है कि आपको कौन सी स्पीड रख लेनी है। आप रिफ्रेश रेट होता है कि आपका मोबाइल कितना फास्ट चल जाए, 120 हर्ट्ज आता है, 60 हर्ट्ज आता है, 130 हर्ट्ज अगर आप रख लोगे तो आपको बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आप इसको ऑटोमेटिक कट कर सकते हो और यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो इसके कलर के हिसाब से। यहाँ पे आता है फॉन्ट, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट फॉन्ट रहता है कि आपको रूबिक बोल्ट फॉन्ट, बेस्ट फॉन्ट रहता है कि आपको रूबिक बोल्ट फॉन्ट डाउनलोड कर लेना होगा क्योंकि वो बेस्ट रहता है। तो कुछ इस तरह से हम ऐप में आते हैं, यहाँ पे फॉन्ट पे RUBIC के रूबिक बोल्ट फॉन्ट सर्च कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाला आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे फ्री पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई होने के बाद आपका कुछ फॉन्ट इस तरह आएगा। फॉन्ट हो गया कि आपको कौन सा वाला डिजाइन रख लेना है अपने मोबाइल में, कौन सा आप डिजाइन रख लेना चाहते हो। तो कुछ इस तरह से हमने ये मोटा वाला फॉन्ट रख लिया। इसके बाद आता है फॉन्ट सेटिंग, तो यहाँ पे आप इसका साइज चेंज कर सकते हो, बड़ा साइज भी रख सकते हो या छोटा साइज भी रख सकते हो। इसके बाद फिर से बैक आते हैं और यहां पे आता है नीचे वॉलपेपर। इसके बाद यहां पे साउंड आता है, साउंड में आप नोटिफिकेशन का अलग अलग साउंड रख सकते हो, तो सीधे यहां पे माय अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद रिंगटोन पे क्लिक कर लेना है और यहां पे जो भी आप साउंड रख लेना चाहते हो नोटिफिकेशन का, इनमें से आप रख सकते हो। जैसे कि हम रख लेंगे पहले ये रिंगटोन का रख लेंगे। आप यहां से कोई भी फाइल या कोई भी रिंगटोन रिकॉर्डिंग ऐप फाइल्स या म्यूजिक से भी आप डाउनलोड करके इसको रिंगटोन रख सकते हो। इसके बाद यहां पे फिर से बैक आना है और यहां पे अलार्म आता है, नोटिफिकेशन रिंगटोन आता है, तो आप इनमें से कोई भी रिंगटोन रख सकते हो। नोटिफिकेशन का हम ये वाला रख लेंगे, तो यहां पे आता है नोटिफिकेशन रिंगटोन या अलार्म, जिसका रख लेना होगा तो उस पर क्लिक कर लेना होगा, ये खुद ही अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है, आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा ज्यादा रख सकते हो, कम रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है साइलेंट मोड, फिर यहाँ पे नीचे आता है साउंड ऑप्शन, यानी कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट भी रख सकते हो, साइलेंट होने के टाइम मीडिया मोबाइल गेम्स वीडियो एप्स वो साइलेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे आता है वाइब्रेशन फॉर कॉल्स, तो इसको यहाँ पे हम डिसेबल कर लेंगे, वाइब्रेशन इन साइलेंट मोड, यानी कि कम
कम स्ट्रेंथ में वाइब्रेशन हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से। इसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल में बैक लेते हो या बैक जाते हो या कुछ टाइप कर लेते हो तो वाइब्रेशन आती है। आप उसको यहाँ पे कम रख सकते हो या काट सकते हो, सीधे काट लेना चाहिए क्योंकि उससे मोबाइल की बैटरी बच जाती है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर आता है। अक्सर लोग कुछ फोटोज वॉलपेपर रख लेते हैं या बहुत सारा कुछ, तो बेस्ट वॉलपेपर रहता है कि आप एक सिंपल सा फोटो कुछ इस तरह से ले लेंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हाथ रख के एक ब्लैक स्क्रीन वॉलपेपर ले लेंगे। हमने ली एक ब्लैक स्क्रीन वॉल, यानी कि मोबाइल को कुछ इस तरह से ब्लैक बना लिया स्क्रीन को, और यहां पे एक काला वॉलपेपर रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम वॉलपेपर में फिर से जाते हैं, और यहां पे वॉलपेपर में आने के बाद यहां पे हम स्क्रीन वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक वॉलपेपर बेस्ट रहता है क्योंकि उससे मोबाइल की बैटरी बच जाती है। तो सिंपली थीम्स में आना है, वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है, नीचे आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे एलो कर लेना है, और गैलरी, उसके बाद गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपका जो ब्लैक वॉलपेपर है वो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे टैप टू प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है और अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, फिर सेट बोथ पे क्लिक कर लेना है। टर्न ऑन वॉलपेपर कैरोसेल, अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो जब भी आप अपना मोबाइल बंद कर लोगे ऑन कर लोगे यहाँ पे वॉलपेपर चेंज होते जा रहे हैं, उससे आपकी बैटरी खर्च होती है फजूल में, इसलिए इसको ऑफ रख लेना है, डोंट एग्री, और यहां पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, तो कुछ इस तरह से आपका वॉलपेपर रह जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से वॉलपेपर रख लिया, ब्लैक वॉलपेपर। इसके बाद फिर से सेटिंग में आते हैं, नीचे वॉलपेपर होने के बाद थीम्स में आते हैं। यहां पे हमने बहुत सारे सेटिंग्स की, थीम्स में आप फॉन्ट आइकन आइकन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे लिमिटलेस रख लेना है जो कि बेस्ट होता है, और अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ आइकन इस तरह से मोबाइल में आ जाएंगे जो कि इस तरह से बेस्ट रहता है, शॉर्ट आइकन। इसके बाद यहाँ पे आता है वॉलपेपर में थीम्स, थीम्स की सेटिंग हमने आपको दिखा दी। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लॉक स्टाइल आता है, क्लासिक, यहाँ पे रिंगटोन्स आते हैं, थीम्स आते हैं, फॉन्ट आता है, वॉलपेपर आता है। इसके बाद यहाँ पे आता है फिंगरप्रिंट, तो इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर लेना है, और आप पैटर्न पिन पासवर्ड रख सकते हो जो कि आपको अपनी मर्जी है, जो भी आप रख लेना चाहते हो, बेस्ट रहता है पैटर्न। इसके बाद फिंगरप्रिंट, आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पहले पासवर्ड या पैटर्न देना होगा, उसके बाद आपको यहां से कुछ इस तरह से फिंगर्स देने होंगे। आप एक ही फिंगर भी दे सकते हो, तीन फिंगर्स भी, तो यहां से भी आप दो उंगलियां रख सकते हो फिंगरप्रिंट, और यहां पे भी। फिर आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड, यहाँ पे आप कुछ फोटोज वीडियोस को चोरी रख सकते हो अपने मोबाइल में, उनको पासवर्ड प्रोटेक्शन रख सकते हो, तो यहाँ पे इसमें ऑन करके इसमें पासवर्ड देना होगा। इसके बाद सीधे आते हैं यहाँ पे नीचे एप्स में, यहाँ पे आप सिस्टम एप्स को सेटिंग्स कर सकते हो, ऐप मैनेज कर सकते हो, होम स्क्रीन में शॉर्टकट्स कर सकते हो, इसी के साथ डुअल एप्स, यानी कि आप एक ऐप को दो एप्स बना के दो अकाउंटों से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ऐप लॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप अपने ऐप्स को लॉक रख कर लोगे, जिससे आप अपने ऐप्स को लॉक करके रख सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं बैटरी पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बैटरी का आपको डाटा यूसेज दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल वेब लिंक एंड पेरेंटल कंट्रोल, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये लगता है पेरेंट्स। इसके बाद आप शो मी अकाउंट ऐड कर सकते हो जिसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, गूगल अकाउंट ऐड कर सकते हो जिसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे आप डेट एंड टाइम, लैंग्वेज और इनपुट, इनपुट में यहाँ पे आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, मेंटी कीबोर्ड आता है, गूगल कीबोर्ड आता है, इमोज कीबोर्ड आता है। बेस्ट कीबोर्ड रहता है कि आप मेंटी कीबोर्ड इस्तेमाल करें, मेंटी कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के बाद उसके परमिशंस को अलाउ कर ले, और वहां पे बहुत सारे सेटिंग्स आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है सिंपल चेक, तो यहाँ पे आप इसको अलाउ कर सकते हो। फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट्स में, एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एक खास फीचर यहाँ पे आपको फिजिकल के बाद मिल जाएगा, फिजिकल में आपको मिल जाएगा कि जब आप कॉल कर लेते हो, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से कॉल काट लोगे, ऐसे इस बटन से भी आप कॉल काट सकते हो। तो यहाँ पे पावर बटन एंड कॉल को इस तरह से ऑन कर लेना है, फिर जब भी आप कॉल बात बात कर लोगे कॉल इस तरह से कट जाएगी। और भी इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स है जो कि कुछ अलग तरह के हैं, लेकिन इनको हम छोड़ देते हैं सिंपल वे में। फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसमें आप बहुत सारे कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे कुछ सेटिंग्स है जिसमें आता है कि अगर आपको गूगल अकाउंट बना लेना होगा या बहुत सारे एप्स प्रॉब्लम्स, तो उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा, चैनल पे